गरीब जनता के लिए कल्याण मंडपम को बुक कराना बना सपना। सोनभद्र, पिपरी की मध्यम वर्गीय और गरीब जनता के लिए कल्याण मंडपम को बुक कराना बना सपना। शादी विवाह आदि के प्रयोग के लिए देना होगा बनारस के होटल के बराबर का दाम। सभी जानते हैं कि गरीबों का सहारा के नाम से जाने जाने वाली कल्याण मंडपम का नगर पंचायत द्वारा प्रयोग के लिए निर्धारित शुल्क 5,200 रुपए ली जाती थी, लेकिन अब कल्याण मंडपम की बोली लगा दी गई है। जनता अब सीधे निर्धारित शुल्क जमा करके नगर पंचायत के माध्यम से कल्याण मंडपम की बुकिंग नहीं करा सकती है, बल्कि उसे नीलामी में नीलाम हो चुकी कल्याण मंडपम की सर्वश्रेष्ठ बोली लगाकर लेने वाले सेठ को 1,00,000, 2,00,000 जैसी सुविधा वैसा दाम देकर बुकिंग करना होगा। कल्याण मंडपम को नीलामी में लेने वाली संस्था प्रत्येक बुकिंग में अपना लाभ को जोड़कर व्यापार करेगी। जन सेवा और साधारण लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से बनाए गए कल्याण मंडपम का अनुबंध की सेवा शर्तों के अधीन निजीकरण किया जाना पिपरी की जनता से बेईमानी है एवं कानूनी खिलाफ है, क्योंकि नगर पंचायत को उसके कार्यालय, सामुदायिक भवन, कल्याण मंडपम बनाने के लिए सिंचाई विभाग और हाईडील से भूमि का किराए पर लीज लेना पड़ा था। इसलिए दूसरी संस्था से किराए लीज पर भूमि लेने वाली संस्था किसी दूसरी संस्था से कानूनन अनुबंध नहीं कर सकती है। यही है विकास पिपरी। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।